हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम टू वीडियो आज के इस वीडियो में गाइस आज आप लोगों के साथ मैं ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को प्लीज पूरा देखना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ यूजिंग माय करंट फेवरेट मॉइस्चराइज़र आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो जो आप रेगुलर बेसिस से यूज़ करते हो मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे आपकी मेकअप फ्लॉलेस लगेगी उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर प्राइमर हमारी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं एंड स्किन में जो पोर्स होते हैं ना उसको ब्लार आउट करते हैं तो प्राइमर लगाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद प्राइमर सेट होने के बाद मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन एंड फाउंडेशन को मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डेब डैप करके अप्लाई कर रही हूँ फेस में एंड नेक में जैसे कि आप देख रहे हो मैं मेबलिंग में की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ आप ब्रश की मदद से भी फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो उसके बाद मैं आई एरिया पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड फेस में भी थोड़ा सा मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी फेस को हाईलाइट uh, करने के लिए कंसीलर को भी मैं सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड uh, कर रही हूँ एंड टाइम लेके कंसीलर को ब्लेंड करना है गाइस उसके बाद ये पूरी बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं लैकमी की कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ आप लूज पाउडर की मदद से भी सेट uh, कर सकते हो उसके बाद मैं आईब्रोज़ को फिलअप करूंगी यूजिंग मेबलिन आईब्राउ पेंसिल एंड इन द शेड डार्क ब्राउन इसका ब्राउन शेड काफ़ी पिगमेंटेड है गाइस अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देख लीजिएगा उसके बाद ये लाइट ब्राउन शेड को लेकर मैं क्रीज लाइन पे इसे ब्लेंड करूँगी सबसे पहले मैं इसे ब्लेंडिंग uh, ब्रश की मदद से आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूंगी एंड उसके बाद क्रीज लाइन पर सर्कुलर मोशन पर इसे ब्लेंड करूँगी एंड थोड़ा सा मैं इसे विंग शेप दे रही हूँ उसके बाद ये डीप ब्लू शेड को लेकर मैं आईलाइनर की तरह इसे ड्रॉ करूँगी एक विंग लाइनर मैं ड्रॉ करूँगी ये आई के साथ आप ब्लू कलर के काजल भी यूज़ कर सकते हो ये आई मेरी ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं तो मैं ये आई को एज अ आई यूज़ कर रही हूँ उसके बाद आ, मैं ब्लू हेवन की ब्लू काजल को लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद एक स्माचर ब्रश की मदद से मैं ये ब्लू कलर काजल को स्माच कर रही हूँ स्मैच करने के बाद काजल और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड उसके बाद सेम लाइट ब्राउन कलर को मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड ब्लू कलर काजल के साथ मैं इसे स्मैच करूँगी उसके बाद एक ब्लैक कलर काजल को मैं अपर वाटर लाइन पर अप्लाई करूंगी एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी मास्कड़ा मैं मेबलिन की मास्कारा यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मैं फॉल्स आई लैशेज अप्लाई करूँगी मास्कारों को मैं अपर एंड लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लाश के लिए मैं एक पिंक शेड चूज़ किया है एंड स्विस ब्यूटी ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट मैंने यूज़ किया है उसके बाद उसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ये ऑरेंजिश रेड कलर को चूज़ किया है ये मेकअप के साथ रेड कलर लिपस्टिक बहुत ही अच्छा लगेगा उसके बाद मैं मेकअप को सेट करूंगी यूजिंग स्विस ब्यूटी मेकअप सेटिंग स्प्रे तो ये है मेरी फाइनल लुक आई थिंक ये लुक आपको पसंद आया है अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन करके रखना है सी सून गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल Bye.